तो यार गाइस मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे यार, सबसे पहले ना इनको बंद करते हैं फिर कुछ मैं कर सकूंगा। अदरवाइज ये देखें ये तंग कर रहे हैं मुझे। अब ये सारे बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, तुम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं ये चीज। तो यार इनको पकड़ के ना यार जहां पर छोड़ते आते हैं। ओए मारने के लिए ठहरा हुआ ये देखो यार। गाइस देखे आपने इसकी दहशत गर्दी, ये देखें ये देखें मारेगा इसको। ओए सुनो मुर्गी दे पुतारा, चल फुट यहाँ से, शाबाश। आ जाओ जी सारे आ जाओ, अंदर आओ, बिल्ली खा जाएगी तुम्हें। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार गाइस ये तो ऐसे एंजॉय करने लगे जैसे इनके बाप की जगह हो। तो यार इनको अंदर बुलाते हैं इससे पहले कि बिल्ली इनको अपना बच्चा संभाल ले। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, बिल्ली खा गई, बिल्ली खो गई, बिल्ली खा गई तुम्हें, बिल्ली खा गई, बिल्ली खा गई। सारे अंदर चले गए डर के मारे यार। तो यार इनको बंद करना गाइस, एक को तो मैंने कर दिया है, इसके अलावा यार बाकी को बंद करना चुन्नू को, क्योंकि मैं खोल चुका हूँ पहले ही। यार ये बहुत सारा आपको गंद नजर आ रहा होगा, यार ये गंद नहीं है गाइस, मैं इनको डाल के गया हूँ। ये देखिए सारा कुछ तकरीबन खा गया, अब बस और बस लीमू के छिलके पड़े हुए हैं। ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा, दो तीन चार, और तेरी तो भाग गया यार। गाइज ये मैंने पकड़ लिया पांच। यार गाइज यार आज तो बहुत ही कमाल के यार एक सीन हुआ है, वो यार देखे मैं आया हूँ दोपहर को साफ सुट डालने, मेरे को साफ सुट डाला था, मैंने देखे मेरा एक चूसा मरा हुआ है, और वो यार वो पता कैसे मरा हुआ है? वो यार गाइज वो वाली आप जगह देख रहे हैं ना यार, वो दरअसल ना यार उधर से ना तीन कोने बनते हैं, इधर से ना हमारे पिंजरे की ना टांग उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो यार वो उसके अंदर फंसा हुआ था और निकल नहीं पाया बेचारा। यार मैंने जब देखा ना उस बेचारे की आंखें बांधती और वो जाना वो मना मरा हुआ था, मैं साफ सुट डालता रहेगा, मैंने कहा यार साफ सुट डाल के ना फिर इसको निकालता हूँ, मैं साफ सुट डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा, जब मैंने सारा सौ साफ सुट डाल दिया फिर मैंने पिंजरे को ऐसे करके ना खींचा, थोड़ा सा मैंने खींच लिया जितना मेरे से खींचा गया, क्योंकि ऊपर एकोरिया पड़ा हुआ ना बड़ी मुश्किल से खींच सका हूँ मैं। और फिर मैं गया हूँ लकड़ी लेने, और जब मैं लकड़ी लेके आया हूँ ना कि अब इसे निकालता हूँ निकाल के बाहर फेंकता हूँ, मरा हुआ है मैंने देखा वो था ही नहीं, मैंने कहा शायद कोई खरगोश वगैरह उसे उठा गया होगा। फिर मैंने जब गिना तो गाइस वो पूरे थे 12 यार, वो पता नहीं वो मरा हुआ चूसा था कैसे जिंदा हो गया मुझे तो समझ नहीं आई, जब पता नहीं ऐसा था यार ऐसे तकरीबन मरा पड़ा था, लेकिन जब मैंने देखा वो मिक्स हो गया, अब मुझे नहीं पता कौन सा उनमें से, हालांकि पता नहीं वो कब से फंसा पड़ा था। यार गाइस मैंने देखा यार मेरे इन चीज़ों पर ना कोई खास अल्लाह की रहमत है यार, जब से ये पैदा हुआ इनके साथ इतने सीन हुए ना, कभी ये मर रहे थे, मैंने पहले भी एक बार मेरे ख्याल में डिस्कस किया था कि कभी ऐसा होता था मरा पड़ा होता था, कभी ऐसा होता था कि मेरे पैर के नीचे आ जाता था, कभी मुर्गी के पैर के नीचे आ जाता था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो मिक्स हो गया, यही सीन होता है मिक्स हो गया जरा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी हिसाब से फिर वो भी अब सेट हो गया, अब दोबारा से मिक्स हो गया, अब दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। तो यार इसे मैंने भी पकड़ लिया यार, ये बातों बातों में इनको पकड़ता जा रहा हूँ ना गाइस, ये मेरे हाथ में आते जा रहे हैं, अगर मैं इनको अचानक खड़ू ना पकड़ने के लिए, ये फिर कहते हैं अच्छा हमें पकड़ोगे वो पीके वाला, अच्छा यार गाइस इसको ना ये एस एस देखिए वहाँ पर चले गए तीनों यार, तीन पता नहीं चार, अब ये तीन चार मुझे बड़ा तंग करेंगे यार। हाँ माशाल्लाह यार जो गाइस बड़े बड़े होते जा रहे हैं ना वो मुश्किल से हाथ आते हैं, जो छोटे हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं हाथ में। चलो ये अपना भाई पकड़ो तुम, और ये एक पकड़ लिया गाइस, ओए और यार गाइस ये एक पकड़ लिया यार मैंने, तो यार इसको भी छोड़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ यार गाइस, ये तो हमारा बन ही है, देखिए यार कितना प्यारा कितना क्या कर रहे हो यार, देखे यार आपने इसके माशाल्लाह गाइस ये बहुत प्यारा हो गया, और इसकी आंखें देखना यार गोल है, बाकी मेरे आज तक ना किसी रैबिट की आंखें गोल नहीं होती, ये देखें इसकी आंखें गोल है, बहुत प्यारी यार इसकी आंखें किसी की भी नहीं है, और दूसरा इसका भाई इसके साथ पैदा हो रहा है उसकी भी इतनी प्यारी नहीं है गाइस, ये देखना बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है कि मुझे छोड़ो मुझे जाने दो इस आजाद दुनिया में, फिर इसको छोड़ते गाइस ना मजाक कर रहे यार, इसको मैंने पकड़ लिया आपको दिखाने के लिए सिर्फ, वरना मैंने पकड़ने चूचे हैं अपने, एक होती है शर्म और एक होती है हया, जो कि लोगों में कूट कूट कर नहीं भरी होती, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं आई दिया गाइस, ये देखें यार मैं इस स्टैंड पर ना कैमरा लगा के अपने कभी कभी ना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और ये देखें इसके ऊपर चढ़ इसके पर बीट्स कर रहे हैं, ये तो इसकी हरकत है, देखिए बंदे इनको क्या कहे, आओ यार गाइस दोबारा यार एक खींच बाहर आई हुई है, और पता नहीं क्यों आई हुई है और पता नहीं कैसे आई हुई है, मैं यार इसको साफ सुट डालने लगता हूं, मैं इनका फायदा करता हूं और ये बाहर निकल आती है, फिर इतनी मुश्किल से पकड़ी जाती है ना गाइस, आप देखें अभी भाई आप क्या कर रहे हो, आपको कोई काम है इस दुनिया में, आप नीचे जाओ अपनी सारी फिंचेस के साथ रहो, बाकी फिंचेस यहां पर आराम से ठहरी रहती है, ये कुछ भी नहीं कहती ना, ये तंग करती है ना कुछ ना बाहर निकलती है, ये पहले भी निकली थी तो यही वाली एक फीमेल फिंच यही वाली थी मेरे ख्याल में, ये निकली थी अब भी निकले तो ये निकले, बाकी कोई भी कुछ नहीं कहती, फान की फिंच व्हाइट है व्हाइट भी कुछ नहीं कहती, फान वाली ये जो सामने बैठे हैं इन्हें फान कहते हैं यार, ये भी नहीं निकलते, ये निकलते तो यही यहाँ पर गई बैठे ना, वो देखिए वो कोकटेल वो बजीज के साथ यार, ये वाइट और सा बैठे मुझे ऐसा लगा बिल्कुल कोकटेल है, आ जाओ ये ऐसे भागेगी ना ऐसे भागेगी, जैसे आज मैं इसको बकरी की जगह इसको जिबा करना है मैंने, तुम्हारी जगह पिंजरा है तो यार मैं खैर इसको पकड़ के छोड़ता हूँ, क्योंकि इसको पकड़ने ठहरना सारा टाइम पास हो जाएगा। हीरो बेटा कैसे हो यार, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ चुनू के साथ तुम्हें जरा ना खिलवाए फिराए, चुनू के साथ ठहरोगे ना यार गाइस, जैसे जैसे पिंजरे में ठहरते ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये देखिए आप जब देखे यार इसके आप हरकतें चेक करिए, ये देखिए अच्छा कहाँ भाग जाओगे कोई जगह नहीं है, आना तुमने मेरे हाथ में एक दिन तक, वो कहते ना यार बिल्ली की माँ कब तक बकरी खैर मनाएगी,
यार गाइस, यार मैं आपको हर वक्त ऐसे उल्टा सुनाता हूँ कि बकरी की माँ बिल्ली की माँ, बकरी बिल्ली की बकरी का आपका खैर मनाएगी। तो मैं यार, आपने मुझे यार पता चल गया, लेकिन फिर भी ना मैं उल्टा कहता हूँ यार, फायदा मजा आता है उल्टा कहने में। तो बिल्ली की बकरी का आपका खैर मनाएगी है एक दिन, तो खैर आप इसका जादू देखिएगा। यार देखें कितना प्यारा करता है। यार इसको ना मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने डाक के साथ ठहरा रहा हूँ, ताकि जैसे मेरे डाक को मार सके और बाकी इसके अलावा ना मेरे छोटे चूजों को कुछ ना कह सके। वैसे यार डाक इतने एक्टिव है ना, क्योंकि इसको पकड़ने लगो ना ये स्लिप पे मारती हुई भाग जाती है। देखिए आपने, ये उसके हाथ नहीं आएगी यार। वैसे आपको पता है कि यार मेरी जो डक थी ना यार, उसने ना अंडा ना नहीं दिया है। यार मैं आपको ऐसे शौक करके बता रहा, मैंने कहा यार आप हैरान हो जाएंगे, बट यार हैरान होना की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसने अंडा 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 गंदा अंडा और पिलपिला अंडा कुछ भी नहीं दे आ रहा यार इसने। ये कहते हैं यार मुझे नई एवरी में शिफ्ट करो, तभी मैं अंडे दूंगा। जाए इंशाल्लाह यार ईद के बाद ना हम इसको अपने मुर्गियों वाली एवरी में सेट कर देंगे। और इसके अलावा राजा रानी के लिए यार हमने बॉक्स भी लगाना है। मैं सोच रहा हूँ कि यार राजा रानी को या तो यहीं पर हम बॉक्स लगा देंगे, क्योंकि बजीज में करनी होती है मटकों में ब्रीड, तो बजीज करेंगे मटकों में ब्रीड, जाएंगे बजीज अपने मटकों में जाएंगे और इसके राजा रानी के बॉक्स को कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन यार एक काम हो सकता है कि अगर हम राजा रानी के लिए बॉक्स लगा देना, सर ऐसा होता है कि यार जो बजीज होते हैं ना कुछ अच्छे प्यार, जैसे मेरे पास एक दो अच्छे प्यार है, बहुत अच्छे प्यार है, यानी कि जब साथ साथ आठ आठ बच्चे निकालते हैं और उसको पालते हैं, तो यार वो क्या करते हैं, उनको ना डोरी छोटी पड़ती है, वो फिर जाकर ना कोकटेल को मार के भगा देते हैं वहाँ से और बजीज रख लेते हैं। मैंने पहले जो ना मैंने एक वाइल्ड लवर का देखा था, वो उसमें ना ऐसे किया था, उसके बजीज ने कोकटेल पर हमला करके उसकी बड़ी गोटी खींच ली थी और अपना उसे पुराना सा टूटा भरना घर दे दिया था, इसलिए यार वो कोकटेल बेचारा रो रहा था। फिर ना तो यार फिर इसके लिए हम अपने कोकटेल को इस वाले एक किले में ठहरा देंगे, या फिर इसके लिए हम यहीं पर लगा के ये भी एक्सपीरियंस करेंगे। हर वक्त परेशान होता था कि यार जहाँ पर अंडा पड़ा होगा वो क्या हो गया, हुआ है तुम मुझे डरा रहे थे या खुद डर रहे थे, हैं क्या हुआ यार बताओ तो सही, क्या हुआ है, कोई मसला है, क्या हुआ है? देखिए आपने कैसे डरा यार, मेरे ख्याल में गाइस ने इसलिए ना कोई शैतान वगैरह देख लिया यार, लेकिन शैतान वगैरह ठहरा तो सिर्फ मैं था। नहीं 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 यार गाइस, इसमें ना कोई और चीज देखी होगी, कुछ भी देख लिया होगा, कबूतर को देख लिया होगा यार। शेरू तुम्हारा भाई कैसा है, शेरू तुम्हारा भाई ठीक ठाक है, हैं शेरू बताओ यार। तो यार गाइस इसके भाई को देखते हैं, छोटा भाई, ओ माशाल्लाह यार गाइस खुद सारी भी इसने निकाला हुआ पहली दफ़ा यार गाइस, मैं इसका सर भी देख रहा हूँ और इसके अलावा इसको देख रहा हूँ, क्योंकि यार जो छोटा था ना सिर्फ और सिर्फ लैला और मजनू के नीचे ही पड़ा रहता था और बाहर नहीं निकलता था, आज देखे निकला बैठा। यार कैसे हो चिंटू, चिंटू हाउ आर यू चिंटू, प्यारे चिंटू छोटू चिंटू, ओ देखे यार सर भी ला रहा है माशाल्लाह यार गाइस, ये दिन ब दिन अब ना एक्टिव होता जाएगा तेजी से, वो देखे झमाइया ले रहा है, अब इसको नींद आ रही है, अब थोड़ी देर बाद सो जाएगा। यार ये ना दो नमूने रह गए गाइस, उससे मैं पकड़ा था तो यही उस पिंजरे के नीचे घुस गए थे, उन्हें पता है कि यहीं पर नहीं पकड़े जाएंगे हम, अब देखें ये ऊपर आए हुए हैं तो यहीं पर इनको ना पकड़ा। वो देखा सही कहते यार, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वहां से उड़ा वहां पर चला गया कि बस यहां से नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। ये लो भाई अपना भाई गाइस, वो देखें यार राजा और रानी दोनों आए हुए हैं फीट लेने के लिए, अभी ये यार अपनी लास्ट फीट ले लेंगे और उसके बाद जाके सो जाएंगे। या गाइस जैसे वो मैंने एक कार्टून देखा था, उसमें ना एक मशहूर क्रिएटर था, वो हमेशा यही कहता था कि एक उसका दोस्त था, वो कहता था कि यार मौसम अच्छा बना हुआ क्या करें, वो कहता था ऐसा करते हैं घर चलते हैं चद्दर तान के सो जाते हैं। तो यार इनका भी अब यही काम है, आखिरी फीट खाते और उसके बाद इनका कोई काम नहीं होता, ना भाग करना होता, ना इन्होंने स्कूल का होमवर्क करना होता, ना इन्होंने अकेडमी का काम याद करना होता और ना ही इन्होंने और कोई काम करना होता, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ना मैथ देखना होता, ना टीवी देखना होता, ना कंप्यूटर चलाना होता, ना कुछ भी नहीं करना होता, अब ये खाएंगे पिएंगे सो। यार गाइस कल मैंने बच्चे चेक किए थे यार इसके दोनों ना, तो यार कमाल की बात यह है कि गाइस इसमें रेड आइस बच्चा निकला हुआ था, इंशाल्लाह यार आज भी ठीक होगा, कल मैंने चेक किए थे ना तो आज भी ठीक होगा इंशाल्लाह यार, कल या परसों तक दोबारा चेक करेंगे। यार गाइस अभी ना मैंने ये कारनामा सर अंजाम देना है, क्योंकि ये निकली हुई है ना मेरे लिए, पता नहीं यार ये कैसे निकल जाती है गाइस, यार जिसका यार दरवाजा बड़ा है मैं इधर से डालने लगता हूं, साफ फुट इधर से निकल जाती है। अब ये देखिए अब मैंने साफ फुट डालिया ना, तो ये कब सर नीचे निकल गया, कब सर खा लिया, अब मैं एक साइड से साफ डाल रहा हूं, मुझे क्या पता कि यार दूसरी साइड से एक फिंच ने कारनामा दिखा दिया और वो गायब हो गया निकल गया, अब ये निकल के बाहर, इसको पकड़ना यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार ये समझ जाती है, मैं इसको यहां से पकड़ने लगता हूं यहां पर आती है और जैसे मैं हल्का सा भी यहां पर आता हूं ना ये भाग के पो और रन वहां पर चली जाती है। इस जैसी का बंदा क्या करे यार, अब अगर कोई हलाल चीज होती है तो चलो बंदा यार जो ऐसी हरकत करती है ना, या ऐसा परिंदा हरकत करता है, या कोई मुर्गी होती है ऐसी हरकत करती है, तो यार उसको बंदा तो अब बंदा इसका क्या करे यार, अब इसको यही बस इसका हाल होता है कि आराम से इसको पकड़ो और आराम से इसको पिंजरे में डाल दो, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई भी वो क्या कहते हैं इसको कोई मुसारिफ नहीं है यार। तो ठीक है गाइस, आज के लोग यहीं पर करते हैं, डॉल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।